हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आपका दोस्त जितेंद्र ओझा आज फिर एक कहानी लेके आए हैं। आज एक ईमानदार लकड़हारा का कहानी है जो आपके सामने हम पेश करेंगे, शायद आपको अच्छा लगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो पानापुर गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत ही गरीब था, लकड़ी काट के ही उसका गुजारा होता था। तो डेली जाता था जंगल से, लकड़ी काटता था। एक दिन गया एक जंगल में, तो जो लकड़ी सूखा हुआ लकड़ी था वो नदी के किनारे था। तो नदी के किनारे था तो चढ़ के लकड़ी काटने लगा। अचानक उसका हाथ से कुल्हाड़ी नदी में गिर गया। नदी में जब गिर गया तो वो जोर जोर से रोने लगा। जब जोर जोर से रोने लगा तो जल देवता प्रकट हुए। तो जल देवता बोले कि तुम क्यों रो रहे हो? तो वो बोला कि मेरा कुल्हाड़ी नदी में गिर गया, इसके वजह से हम रो रहे हैं। तो जल देवता नदी में डुबकी लगाए और हाथ में चांदी का कुल्हाड़ी लेके आया। जल देवता बोले ये कुल्हाड़ी तुम्हारा है? तो बोला कि नहीं, ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जल देवता नीचे पानी में डुबकी लगाया और फिर दोबारा निकले, तो इस बार सोने का कुल्हाड़ी लेके निकले। तो फिर लकड़हारा देख के बोला ये नहीं, ये मेरा नहीं है। उसके बाद फिर डुबकी लगाया, इस बार लोहे का कुल्हाड़ी लेके निकले। लकड़हारा बहुत खुश हुआ अपना कुल्हाड़ी देखकर। लकड़हारा खुशी से बोला ये हाँ, यही मेरा कुल्हाड़ी है। जल देवता उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। जल देवता बोले कि ये चांदी और सोने का भी कुल्हाड़ी। ईमानदारी से प्रसन्न होकर जल देवता ने उसे तीनों कुल्हाड़ी उपहार में दे दिया। वह खुशी खुशी अपने घर चला गया और उसी को बेचकर अपना जीवन यापन अच्छा से करने लगा। तो हमें कहीं भी कोई भी काम करे, लालच में आके काम नहीं करना चाहिए। बस अगर कहानी अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।